वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है हमारी बहुत धांसू होने वाली है। तो गाइस, आप सभी को वीडियो एंड तक देखनी है। एंड गाइस, मैं जितने बैकग्राउंड पीएनजी का यूज करूंगा ना, मैं सभी का लिंक आप सबको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, सिंपली आप जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया क्या करो यार, वीडियो को लाइक करो ताकि यार नेक्स्ट वीडियो लाने में यार मजा आए। तो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड गाइस, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स को ताकि गाइस वो भी अच्छी अच्छी एडिटिंग कर सके। एंड गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना अगर वीडियो को, अगर फोटो एडिट करें तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस, उसके बाद तो क्या बोलूँ आप सभी को, आप कर ही लोगे। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। सो गाइस, सिंपली आप सभी को पहले करना क्या है, पहले इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना आपको सिंपली, ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस, उसके बाद एड फोटो में जाना है। सॉरी गाइस, पहले आज हम इसको ड्रॉ टूल में करते हैं, ठीक है। सो ड्रॉ टूल में चलते हैं, ठीक है। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, एड फोटो में जाना है। एड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको हॉर्स का पीएनजी लेना है। एंड गाइस, मैं जितने बैकग्राउंड पीएनजीज का यूज करूंगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपली वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, मैंने हॉर्स का पीएनजी को लिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। एंड साइज को बैकग्राउंड के हिसाब से रखना है, ठीक है, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं रखना। तो मैं कर लेता हूँ साइड में टैप। एंड गाइस, एक इनबिटवीन लेयर बना लेते हैं, ठीक है। इनबिटवीन लेयर बनाने के बाद गाइस एड फोटो में चलते हैं एंड मॉडल को ले लेते हैं अपने, ठीक है। एंड गाइस, मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से रिस्क कर रखा है। एंड गाइस, जिसको बैकग्राउंड रिस्क करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सिंपली जाकर वहाँ से वीडियो को देख के बैकग्राउंड की रिस्क कर सकते हो। तो गाइस, मैंने मॉडल की ओपेसिटी कम किया है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या है, साइज को बड़ा करना है, ठीक है। इस तरीके से साइज को बड़ा कर लेना है। एंड गाइस, उसके बाद क्या करना है आप सभी को, थोड़ा और साइज को मतलब एकदम बिल्कुल परफेक्ट बैठाना है, नकली नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सो मैंने इसको कर लिया। एंड गाइस, कर लेता टैब। एंड गाइस, उसके बाद इरेजर टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड हार्ड ब्रश को लेंगे एंड कर लेंगे सेट। एंड उसके बाद जूम करेंगे, ठीक है। एंड ऐसा साइड साइड से ऐसे इरेज कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस, सिंपली हमने इरेज कर लिया। एंड गाइस, हम जाएंगे दोबारा से लेयर में। एंड गाइस, ओपेसिटी कर लेंगे फुल, ठीक है। एंड इसके बाद गाइस हम सभी को करना क्या है, अब बनाएंगे शैडो, ठीक है। सो शैडो बनाने के लिए गाइस हमें पहले एक इनबिटवीन लेयर बनानी है। एंड गाइस, सिंपली हम इसको लेयर को ले जाएंगे अपने मॉडल के नीचे। एंड गाइस, ब्रश में चलेंगे। एंड गाइस, उसके बाद हम हार्ड स्मूथ ब्रश को लेंगे एंड सिंपली ऐसे साइड साइड में पेंट करेंगे, ठीक है। सो गाइस, शेडो हमारी बन चुकी है। तो गाइस, चलेंगे लेयर में, ठीक है। एंड एक मिटे लेयर बनाएंगे, ठीक है। एंड मिटे लेयर बनाने के बाद गाइस जाएंगे ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस हमें एक रोप के वो लेनी है, गन की पीएनजी लेना है पहले, ठीक है। इस रोप की हम बाद में लेंगे, पहले गन की पीएनजी ले लेते हैं। एंड गाइस, सिंपली आप सभी कैसे छोटा कर लेना इसको, ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस, इसको आपको सिंपली ऐसे इस तरीके से आपको अपने कमर के पास लगा लेना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस, थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, क्योंकि हम हॉर्स के ऊपर बैठे हैं। तो गाइस, रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या गाइस, इस तरीके से लगा लेना एंड साइड में करना टैप, ठीक है। एंड करना फोटो को वापस से, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को करना क्या गाइस, एक वापस से चलेंगे लेयर में, ठीक है। एंड इसको हम कर लेंगे मर्ज पहले, सॉरी इम्पर्टी लेयर बनाने के बाद मर्ज कर लेंगे गाइस, ठीक है। एंड एक इम्पर्टी लेयर बना लेंगे। एंड गाइस, उसमें जो इम्पर्टी लेयर बनाई है हमने, उसमें हमें करना क्या गाइस, एड फोटो में जाना है। एंड गाइस, अब लेना है रोप का पीएनजी, ठीक है, रोप का पीएनजी ले लेना है। एंड गाइस, सिंपली इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर लेना है, मतलब गाइस आपके इस वाले हाथ के पास जो सेट हो जाए ऐसे लगा लेना है, ठीक है गाइस। सो सिंपली मैंने लगा लिया। एंड गाइस, इसके बाद टैप कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी जाना है इरेजर टूल में, ठीक है। सिंपली इस तरीके से यहाँ पे इरेज कर लेना है। ठीक है, सो हमने रेस कर लिया। एंड गाइस, अब हमारा एक काम रहेगा गाइस, ठीक है। तो वापस से हमें क्या करना है गाइस, कि वापस से एक लेयर बना लेनी है पहले गाइस हमें, ठीक है। लेयर बनाने के बाद गाइस वापस से हम वही करना है गाइस, एड फोटो में जाएंगे एंड रोप का पीएनजी लेंगे, ठीक है। रोप का पीएनजी ले लेना दोबारा, ठीक है। सेंड कर लेना डन, ठीक है। सो इसको आपके गाइस क्या करना है, हमें टैप कर लेना है। एंड गाइस, उसके बाद जाना ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद गाइस हमें इस तरीके से पहले इसको इसके साइज को इस तरीके से ऐसे घुमा लेना है पहले, ठीक है। इस रोप को हमें ऐसे घुमा लेना है। एंड गाइस, हमें इस वाली दूसरी वाली जो रोप को जहाँ से मुड़ रहा है ना गाइस, हमें वहाँ पे रखना है इसको, ठीक है।
एंड गाइज इस तरीके से रखना है कि गाइज हमारे दूसरा हिस्सा जो है ना वो हमारे दूसरे हैंड पे आ जाए, इस तरीके से रखना है ठीक है। जैसे मैं रख रहा हूँ गाइज, वीडियो को एकदम ध्यान से देखना गाइज ठीक है, कोई गड़बड़ मत करना। सो गाइज ऐसे रख लेना है ठीक है, एंड कर लेना है वापस से डन ठीक है। एंड जाना है हमें सिंपली इरेजर टूल में ठीक है। एंड जो जो हमारा बेस्ट ऑफ पार्ट है ना गाइज, जो जो हमें नहीं चाहिए उसको हम सिंपली इरेज कर लेंगे। सो गाइज मैंने इरेजर सेलेक्ट कर लिया, तो गाइज मैं इसके पहले ना साइज को बड़ा कर लेता हूँ। एंड गाइज सिंपली हमें इरेज कर लेते हैं फटाफट। सो गाइज इरेज हो चुका है, अब हमें गाइज करना क्या है वापस से गाइज ठीक है। सो गाइज लेयर में चलते हैं पहले गाइज ठीक है। लेयर में जाने के बाद गाइज पहले हमें इन दोनों को पहले सॉरी नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है ठीक है। एंड उसके बाद इसको इरेज करना है हमें सिंपली ठीक है। ठीक है सो सिंपली हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी गाइज उसको मैंने वहाँ पर ऊपर सिलेक्ट कर लिया, वापस से मैं लेयर में जाता हूँ एंड नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइज इसको सिंपली इरेज कर लेना है ऐसे ठीक है गाइज। सो मैं आप भी कर लेना गाइस, एकदम वीडियो को एकदम ध्यान से देखना गाइस, कोई गड़बड़ मत करना यार, बहुत कंफ्यूज हो रहा है मैंने भी बहुत, दो तीन बार में वीडियो बनाई है पूरी, सो मुझे ही मेहनत लगी है। तो गाइस इसको मैं पहले सिंपली इस तरीके से इरेज कर लेता हूँ एंड गाइस ठीक है। सिंपली इसके बाद आप सभी को करना क्या है, उसके बाद आप सभी को यहाँ से कर लेना है इस फोटो को मर्ज ठीक है। आपको दोनों रोप वाली जितना भी ना आपको इनको मर्ज कर लेना है ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आपको एक मिटे लेयर बनानी है ठीक है। एंड हेड फोटो में जाना है ठीक है। एंड जो हॉर्स के फेस पे जो रोप लगती है ना गाइज, अब हमें उस वाली रोप को लेना है सिंपली इस तरीके से ठीक है, ये वाली। एंड गाइज इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड गाइज सभी इस डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक, तो आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेना ठीक है। सो मैं इसको पहले इस तरीके से यहाँ पे इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ ठीक है। एंड यहाँ पर टैप कर लेता हूँ एंड गाइज उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा इसको ठीक है गाइज। सो गाइज यहाँ तक फोटो एडिट हो चुकी है। सो गाइज अब जो हमारा काम रह गया गाइज, एड फोटो में चलते हैं गाइज दोबारा से ठीक है। एंड उसके बाद जो है गाइज हमारा ये टेक्स्ट का PNG हमें इसको लेना है ठीक है। सो टेक्स्ट के PNG को पहले ले लेते हैं ठीक है। सो मैंने PNG को ले लिया एंड गाइज इसके बाद आप सभी करना क्या, इसको कर लेना जूम ठीक है। सो इसको ना काफ़ी बड़ा लगाना हमें, तो गाइज इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे ठीक है। सो इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं ठीक है। एंड गाइज करना क्या गाइज, इसको बड़ा कर लेने के बाद गाइज हमें इस लेयर को हम अपने मॉडल के नीचे लगाना है ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइज देखिए क्या फोटो हमारी कितनी अमेजिंग एडिट हुई है। सो गाइज इसमें जो भी कलर करेक्शन रही ना हमारी गाइज, वो करेंगे हम सिंपली लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइज फोटो कर लेते हैं सेव एंड चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर। सो गाइस लाइट रूम में पे आने के बाद गाइस हमें अपनी फोटो को ओपन कर लेना है ठीक है सिंपली। एंड गाइस उसके बाद हमें जाना है लाइट में ठीक है, लाइट का दिख रहा होगा ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हमें कॉन्ट्रास्ट को कर लेना है कम कर लेते हैं गाइस ठीक है, सॉरी प्लस में कर लेते हैं। एंड गाइस उसके बाद हाईलाइट्स को भी हम माइनस में रखेंगे ठीक है। एंड शेडो को रखेंगे हम गाइस, शेडो को हम बढ़ा के रखेंगे, नहीं गाइस माइनस में रखते हैं ताकि गाइस माइनस में अच्छा लग रहा है ठीक है। तो वाइट को हम प्लस में रखेंगे, ब्लैक को रखेंगे माइनस में ठीक है। एंड चलते हैं नीचे वाले टूल में ठीक है, मिक्स में चलते हैं, रेड कलर के ह्यू को छेड़ेंगे थोड़ा सा माइनस में रखेंगे ठीक है। ऑरेंज कलर को लेंगे, सेचुरेशन को माइनस करेंगे थोड़ा सा ठीक है। एंड ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि लाइट आए हमारी फोटोज़ में ठीक है। एंड गाइस उसके बाद हमें क्या सिलेक्ट करना है, ब्लू कलर ठीक है। एंड ब्लू कलर के ह्यू को बढ़ाएंगे एंड सेकंड ब्लू को लेंगे एंड गाइस ह्यू को रखेंगे माइनस में ठीक है। एंड कर लेंगे ऊपर से डन ठीक है, सिंपली डन कर लेंगे। एंड गाइस उसके बाद सेचुरेशन को बढ़ाएंगे ठीक है, एंड वाइब्रेशन को कम करेंगे, टेम्परेचर को भी कम करेंगे ठीक है। एंड उसके बाद चलेंगे नीचे वाले टूल में, क्लियरिटी को बढ़ाएंगे ठीक है, विग्नेट को भी कम करेंगे ठीक है। एंड उसके बाद गाइस फेदर्स को बढ़ा देंगे एंड गाइस के राउंडनेस को भी बढ़ा देंगे ठीक है। एंड विग्नेट को हम गाइस थोड़ा कम कर लेते हैं ठीक है। एंड चलते हैं नीचे वाले टूल में एंड फोटो करेंगे शार्प ठीक है। एंड नॉइज डायरेक्शन को बढ़ा लेंगे ठीक है सिंपली। एंड गाइस नॉइज डायरेक्शन को भी बढ़ा लेंगे ठीक है। सो हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस एंड फोटोज़ भी अच्छी लगी होगी। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना यार, आप सभी के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ तो यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। एंड गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार।